नमस्कार, धर्मज्ञान की खास पेशकश शारदीय नवरात्रि 2024, इसमें सभी दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ राजप्रीत मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार कविता जी। जी हाँ, जो कि देखिए नॉर्थों की शुरुआत हो ही चुकी है और ऐसे में पंचम तिथि जो कि देवी दुर्गा के स्कंद रूप को दर्शाता है, और इस दिन आप स्कंद देवी की पूजन विधि क्या कहती है और किन राशियों के लिए देवी का यही स्वरूप अति उत्तम माना गया है, क्या कुछ मंत्र जाप है जिसके करने से आप शक्ति की भक्ति में खुद को लीन करते हुए उनसे मन चाह वरदान पा सकते हैं, इसी पर आज बात करेंगे। मधुर जी से जानने की कोशिश करेंगे कि शक्ति का ये रूप क्या कहता है, बताएं। 7 अक्टूबर दिन सोमवार, आज माँ भगवती का पंचम स्वरूप जो कि स्कंद माता के रूप में विश्व विख्यात है, संपूर्ण विश्व के जनता जनार्दन आज के दिन माँ भगवती स्कंद माता का पूजन करके अपने जीवन में तमाम प्रकार के जो अपराध हैं, तमाम प्रकार के जो अवरोध हैं, तमाम प्रकार के जो शासनिक प्रशासनिक कार्य हैं जिसमें तमाम प्रकार की अड़चने आती हैं, उन सब पर विजय प्राप्त करने का एक सुंदर सा दिन है। अर्थात आज के दिन माँ भगवती स्कंद माता की जो व्यक्ति उपासना करता है वह संपूर्ण पापों से कष्टों से तो मुक्त होता ही है, तमाम प्रकार के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। माँ भगवती के सुंदर ध्यान का जो मंत्र है आप उसे सुने। खड़गम चक्र गदेशु चाप परिघान, छूलम भुसुंडीम सिरह, शंखम संदधतीम करैस्त्रिनयनाम, सर्वांग भूषावृताम, नीलास मद्युतिमास्य पाद्य दशकाम, सेवे महाकालिकाम, यामस्तौत्स्वपिते हरो कमलजो, हंतुम मधुम कैटभम। माँ भगवती जो पचवी माता हैं स्कंद माता के रूप में, इन्हीं मंत्रों का ध्यान करके आप उनका पूजन करने के लिए आगे बढ़ें। अब आज के दिन जो स्कंद माता का जो व्यक्ति पूजन करता है वो वास्तव में संसार के मोह के माया बंधनों से आदि तमाम प्रकार के जंजालों से वह मुक्त हो जाता है। विशेषकर पीले आसन पर बैठ करके पीले वस्त्रों में सुशोभित होते हुए माँ भगवती स्कंद माता का पूजन करें। पूजन का क्रम सामान्य विधि वही रहेगी, गंगा जल से माँ भगवती की प्रतिमा को स्नान कराना होगा, साथ ही साथ पंचामृत से स्नान कराना होगा। ध्यान रहे आज के दिन माँ भगवती की प्रतिमा का स्नान अगर शहद से कराया जाए तो शहद से कराने पर जो आपका शत्रु है वह मित्र में परिवर्तित हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपकी नकारात्मक दृष्टि से आपकी तरफ अगर देखता हो या फिर मलिन विचारधारा रखता हो तो उसकी बौद्धिक स्तर की जो क्षमता है वह कहीं ना कहीं सामान्य रूप से परिवर्तित हो जाएगी। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। माँ भगवती स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए शहद से स्नान कराएं, पुनः गंगा जल से स्नान कराएं, साथ ही साथ सुंदर केसर का तिलक आज माँ भगवती के मस्तक पर सुशोभित करें। केसर का तिलक मित्रों इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब जब आप केसर का तिलक माँ भगवती के मस्तक पर लगाते हैं और वही आप प्रसाद के रूप में स्वयं धारण करते हैं तो आपके जीवन में तमाम प्रकार की जो कठिनाइयां चल रही हैं या तमाम प्रकार के असाध्य रोग जो हैं वह समाप्ति की ओर हो जाते हैं। तो ऐसे में सुंदर चंदन से आप उन्हें अलंकृत करें, धूप दीप नैवेद्य से पहले उनको जो है सुंदर पुष्पहार, पीले पुष्पों की माला, गेंदे का फूल हो या किसी भी प्रकार का पुष्प हो, माँ भगवती को पीले पुष्पों की माला समर्पित करें। साथ ही साथ बिल्वपत्र अवश्य ही चढ़ाना है। इसलिए बिल्वपत्र चढ़ाना है कि जब माँ भगवती बाल रूप में तपस्या करने के लिए गईं तो जैसे जैसे वो युवावस्था में होती गईं उन्होंने पहले उस बगीचे का, वहाँ की प्रकृति का, उन्होंने पत्तों का सेवन किया, उन्होंने वायु का जो है सेवन किया। कछुदिन भोजन बारी बतासा, कछुदिन कीन कठिन उपवासा। माँ भगवती ने बहुत कठिन उपवास भी किया था, वायु का पान किया था, साथ ही साथ पत्तों का पान किया था। तो इसलिए बिल्व पत्र चढ़ाना माँ भगवती को अति आवश्यक है। सिंदूर चढ़ाएं, सिंदूर के साथ साथ अबीर गुलाल। आज के दिन सुगंधित तेल अवश्य ही चढ़ाना है। सुगंधित तेल चढ़ाने से क्या होगा, आपके शरीर में जो रोग तमाम प्रकार से व्याप्त हैं उन रोगों का समन होगा, साथ ही साथ उस माँ भगवती की प्रतिमा में एक अलग सी शक्ति और ऊर्जा का एहसास होगा, आभास होगा, जो कि आने वाले अगले नवरात्र तक वह कहीं न कहीं विराजमान रहेगा। धूप दीप नैवेद्य माँ भगवती को चढ़ाएं,
तत्पश्चात नैवेद्य जो आपको लगाना है, उस नैवेद्य में आज के दिन फलाहार से संबंधित अर्थात पंचमेवे की खीर अगर माँ भगवती को चढ़ाई जाएगी तो उस पंचमेवे की खीर चढ़ाने से भगवती प्रसन्न तो होंगी ही होंगी, साथ साथ उसका प्रसाद पान करने वाला व्यक्ति अनेक विचारों से, जो कुंठित विचार है उसका, वह विशुद्ध विचारों से युक्त हो जाएगा। आप ध्यान करें, पुनः आरती करें, मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें, यही सामान्य पूजन विधि है जो स्कंद माता का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। जी बिल्कुल, और आइए इसी के साथ अब हम जान लेते हैं कि स्कंद माता से जुड़ा उपाय क्या कहता है। आज के दिन माँ भगवती स्कंद माता को प्रसन्न करना है तो उन माताओं को ध्यान देना होगा जो अपने पति से तमाम प्रकार के विवादों से युक्त हैं, या जो कन्या अपने जीवन में किसी पति की खोज में है, या फिर उसका विवाह होने वाला है, ऐसी माताओं बहनों के लिए आज के दिन एक सुंदर सा महामंत्र है, पुरुषों को भी पढ़ लेना उचित होगा, जिससे नारी शक्ति का सम्मान उनके अंतर हृदय में जागृत हो। मंत्र क्या है? देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र का जाप करके आप अपनी यश कीर्ति को बढ़ा सकते हैं। माताएं प्रार्थना करके आप अपने पति के जीवन को, उनकी आयु को, दीर्घायु में परिवर्तित कर सकती हैं। चलिए अब जाते जाते जान लेते हैं कि इस दिन विशेषकर किन राशियों के लिए माँ का यही रूप अति फलदायी माना गया है। विशेषकर जो पंचम स्कंद माता हैं, आज के दिन सिंह और कन्या राशि के जातकों के द्वारा विशेषकर पूजन करना चाहिए, जिससे उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयां, जो परेशानियां हैं, वह सामान्य रूप लेकर के उनके जीवन यापन में सहयोग भी बने और वही परेशानियां मित्र भी बन जाएं, साथ ही साथ भगवती की कृपा भी आपके जीवन में प्राप्त हो। चलिए तो ये आज हमने मधु जी से जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से शक्ति का यही पंचम रूप यानी कि स्कंद माता का जो ये रूप है आप लोगों के लिए आपके जीवन में कितनी खुशियां लेकर आएगा। मुझे और मधु जी को दोनों को इजाजत दीजिए। जय माता।